हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब। आप लोगों के ऊपर बहुत विपदा आई हुई थी ना, बहुत ज्यादा। मतलब विपदा तो विपदा, आपदा या विपदा ही कहो, वो गलतियां नहीं थी। लाइक जेंडर चेंज हो जाना, फोटो खुद का नहीं लग के किसका लग रहा है, साइबर कैफे वाले का ऑनलाइन फोटो अपलोड हो गया, कैटेगरी चेंज हो गया, और कई सारे तमाम तरह की दिक्कतें जो आ सकती है और जिसको नहीं होना चाहिए था। एक तो सामान्य दिक्कतें तो आ जाती है, कभी पिन कोड गलत हो गया, नाम में कुछ मिस्टेक हो गया, तो चलो ठीक है, वो चलता है। और वो जो नहीं होना चाहिए, लाइक कैटेगरी चेंज करना, जेंडर चेंज हो जाना टाइप की चीजें, वो सारी मुसीबतें जिसको आप आपदा या विपदा कह सकते हो, क्योंकि अगर उस तरह से फॉर्म जिसका फील हो गया, वो बेचारा ना ही दुर्गा पूजा मना पाया, ना ही ठीक से खाना खा पा रहा है, ना ही ठीक से पढ़ाई कर रहा है, और ये बड़ा ही वाजिब है। और आपको पता है, आज हम कुछ और बोलते हैं आपके लिए, ठीक है। हम आज कुछ और बोलने वाले थे, और ये बोलने वाले थे कि जो भी हो फॉर्म भर दो, एडिट ऑप्शन आए नहीं आए, जो भी आए फॉर्म आप भर दीजिए और जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि मैंने कई स्टूडेंट को रोक के रखा है कल तक के लिए, और कई दिनों से, आपको याद होगा, आज भी कई स्टूडेंट को मैंने रोका है, आज भी, मतलब व्हाट्सएप पे प्रॉपर मैसेज है, मैंने रोका, आज वह रुक जाओ, कल देखते हैं। तो समझो कि कई स्टूडेंट्स को रोका है। अब उनको रोक तो हमने दिया, लेकिन टेंशन खुद हो रहा था, और हम टेंशन मुझे बहुत हो रहा था कि यार मैंने, मेरे कहने पे कोई रुका है और लास्ट टाइम में फॉर्म नहीं भरा है, फिर क्या होगा, एडिट ऑप्शन नहीं आया तो फिर क्या होगा। क्योंकि जब तक आयोग देना देना, तब तक भरोसा तो रहता नहीं है। अब टेंशन तो था ही कि नहीं हुआ तो फिर सारा ठीक रहा तो मेरे ऊपर फूटेगा, और सबसे बड़ी दिक्कत कि स्टूडेंट्स को दिक्कत हो जाएगी। तो आज कुछ और बोलना था, लेकिन आज की जो मीटिंग हुई तो सब कुछ क्लियर है कि एडमिट, एक तो भर भर के आपको एडिट का ऑप्शन मिलने वाला है, यानी ओवरऑल मैंने बहुत स्टूडेंट से मेल भी करवाया, और एक यूपीएससी वाला वीडियो बनाया था मैंने, यूपीएससी ने कैसे ओटीआर में एक बार पूरा ओटीआर चेंज करने के लिए दे दिया था, तो प्रॉपर उस सबका इंपैक्ट हुआ। क्योंकि अभी आयोग लगातार माइक्रो लेवल पे ना केवल आपके ईमेल्स बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बहुत सारे सजेशन को भी देख रहे हैं, और सबको देखते हुए आज मीटिंग हुआ, और फाइनली एडिट का ऑप्शन आपको भरपूर मिल रहा है। मतलब जो भी गलतियां हुई है ना, वो सब आप ठीक कर लोगे। तो आज तक रुकने के लिए कहे थे, कल नहीं तो परसों होते होते आपको मिल जाएगा, क्योंकि फॉर्म भरने का डेट अच्छा खासा बढ़ा दिया गया है, यानी आप इस महीने तक फॉर्म भर सकते हैं, उसका भी नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। तो डेट बढ़ गया। अब सवाल एग्जामिनेशन का डेट तो ऑलरेडी 13-14 चल रहा है, उसको लेकर अभी क्लियरिटी नहीं है, क्योंकि आयोग एग्जाम डेट को लेकर ना कभी क्लियर होता ही नहीं। अभी नया नोटिफिकेशन आ गया तो ठीक है, तैयारी उसी दिन की करेंगे हम, क्या होगा वो लास्ट टाइम में, कभी भी अपरिहार्य कारण से हो जाता है, बट जब भी 13-14 का जो डेट है वही मान के चलना है। अभी सबसे बड़ा हेडेक था फॉर्म को लेकर, तो जो फॉर्म को लेकर हेडेक है वो आपका दूर हो ही गया है, ठीक है। अब समय की बात है कि कब नोटिस आ जाता है, कल आता है, परसों आता है, जब भी आएगा नोटिस आपके पास आ जाएगा, और भर भर के आप जितना एडिट करना है कर लेना, टेंशन फ्री हो जाना, और आराम से एग्जाम की तैयारी करना। अब जब मौका मिलेगा ना, तो अब लास्ट तक इंतजार मत कीजिएगा, अब जैसे ही एडिट ऑप्शन आया वैसे ही 1-2 दिन के अंदर फॉर्म भर के कहानी खत्म करो और एग्जाम में लग जाओ। क्लियर, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं किसी को। तो जिनको एडिट का ऑप्शन चाहिए था उनको एडिट का ऑप्शन मिल गया, और परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो आपदाएं और विपदाएं आप पे आई हुई थी वो अब दूर हो जाएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।